पिछले अक्टूबर में शुरू हुए इसराइल और हमास के बीच युद्ध अभी भी जारी है और अब इसमें ईरान समर्थित लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी एंट्री मार ली है। इसराइल पर रॉकेट हमले करके उसे उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके जवाब में इसराइल लगातार हमले कर रहा है। लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी, रेडियो के फटने से शुरू हुआ यह युद्ध हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह और उनके 20 से अधिक करीबियों की मौत का कारण बना है। इस तरह के हमले से इसराइल ने अपने आसपास के दुश्मन देशों को संदेश दिया है कि उसे उकसाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह का संदेश देने का इसराइल का एक लंबा इतिहास रहा है। रहस्यमय भयंकर हमला, इसराइल की ताकत का है बड़ा इतिहास। छोटे से देश इसराइल के आसपास कई दुश्मन देश हैं। वे हमेशा अलग अलग तरीकों से इसराइल को परेशान करते रहते हैं, लेकिन यह देश उन लोगों को ऐसा सबक सिखाता है कि वे दोबारा कभी उठने की हिम्मत न कर सके। इसराइल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, रक्षा उपकरण और उनकी रणनीति दुश्मनों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। दुश्मनों के हमलों को रोकने में इसराइल की सबसे बड़ी ताकत आयरन डोम है। यह आयरन डोम किसी भी मौसम में दुश्मन के हमलों का मुकाबला कर सकता है और कम दूरी की रॉकेट और तोप के गोले के हमलों को रोक सकता है। इसराइल की सबसे बड़ी ताकत मोसाद। इसराइल हमेशा से अपने दुश्मनों को उनके ही घर में घुसकर मारने की क्षमता दिखाता है। इसके पीछे इसराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक है। मोसाद इसराइल के बाहर अपने दुश्मनों को मारने के लिए जाना जाता है। एक साथ पांच जगह युद्ध, इसराइल का जलवा। हमास के आतंकियों ने की जंग की शुरुआत। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल पर बड़ी संख्या में रॉकेट दागे थे। एक तरफ इसराइल ने आतंकवादियों के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़ाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ हमास के आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उनके ठिकानों, आतंकवादियों और प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के आतंकियों से भी लोहा। लेबनान स्थित ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने उत्तरी इसराइल पर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसके जवाब में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों को मार गिराना शुरू कर दिया। हाल ही में इसके प्रमुख हसन नसरल्लाह और डिप्टी चीफ नबील कॉक मारे गए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह द्वारा संचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वॉकी टॉकी को उड़ाकर उसकी संगठनात्मक क्षमता को भी नुकसान पहुंचाया गया। हौथी विद्रोहियों को भी सबक। हिजबुल्लाह पर हमले के जवाब में हौथी विद्रोहियों ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। इसके बाद इसराइल ने अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके यमन के बिजली संयंत्रों और बंदरगाहों पर हमला किया। इराक, सीरिया के आतंकियों पर भी कार्रवाई। इजरायली सेना ने ईरान समर्थित इराकी और सीरियाई आतंकवादियों को भी निशाना बनाया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था इराक के अलनुजबा सशस्त्र गुट पर हमला। शिया गुट से जुड़ा यह आतंकी संगठन कई स्थानीय संघर्षों और युद्धों में शामिल रहा है और इसराइल इनका साझा दुश्मन होने के कारण इस छोटे से देश पर हमला करने के लिए आगे आया था। हालांकि युद्ध में उनकी उपस्थिति अधिक हानिकारक नहीं रही है, लेकिन उन्होंने इसराइल के लिए युद्ध को कठिन बना दिया है। ईरान समर्थित गुटों के साथ संघर्ष। ईरान, जो मानता है कि इसराइल का विनाश ही पश्चिम एशिया की समस्याओं का समाधान है, हमास, हिजबुल्लाह, हौथी, इराकी और सीरियाई आतंकवादियों को पैसे, हथियार और युद्ध रणनीति प्रदान करके उनका समर्थन करता रहा है। सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले के जवाब में ईरान ने अप्रैल में पहली बार अपनी धरती से सीधे ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी थी। इससे नाराज इसराइल ने उसके समर्थित गुटों पर हमला करके बदला लेना शुरू कर दिया है।